खान साहब, मुस्कुराहट कमाल, मतलब आगे जाएं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चंद लाइनें हो ही जाएं सर, है ना? तुम हो तो लगता है, तुम हो तो लगता है मैं हूं, ना हो तो लगता है क्यों हूं, तुम हो तो उड़ता है मन ये, ना हो तो ठहरा सा है क्यों, हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, जिंदगी भर रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे, हो सके तो रहना तुम साथ मेरे। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि टुडे फॉर अमाल हैज यू नो कैप्चर्ड द होल वर्ल्ड विद हिज म्यूजिक, लेकिन मैंने अमाल का सबसे पहला गाना गाया था मैनी ईयर्स ago, पता नहीं गाँव का क्या हुआ, एक डब्ल्यू ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहा है, और हम लोग स्टूडियो में दो गाने साथ में डब कर आए थे। I was around 18 years old when he came and sang for me when no one even knew about my music and I'm thankful. नारायण, लेकिन बहुत उस गाने से पता चल गया था कि yeah, this man's gonna go a long way and of course he took his time, but जब उनका वक्त आया तो सबको पीछे छोड़ गया and great legacy, great music in his genes and of course he's taking it forward. And Amal, इतने साल बाद जो ये पहला गाना हम लोग साथ में किए, thanks to his Bhushan Ji's brainchild completely. You know, I'd like to say ki I'm doing good music because of the guidance and the support of Bhushan Ji. So I would like to give it to him and the lovely writing that Virag sir always gives to my music. Bhushan sir, legacy ki baat hai, usko leke aage chal rahe hain aap ee series ki, aur hit pe hit, hit pe hit, matlab he's just killing it every day with every song sir. Kya hai? प्लानिंग नहीं है, अब ये बात, ये क्वेश्चन का जवाब मैं हर हफ्ते दे रहा हूँ एक्चुअली। जस्ट किल मी वन मोर टाइम। अगेन वापस बोल देता हूँ, कुछ प्रेस उस दिन थी, कुछ आज है। सी एक एज आई सेड लास्ट टाइम आल्सो कि हमें एक म्यूजिक को इट्स ये प्रूव करना है कि इट इज नॉट कि सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक चलता है, इट्स अ नॉन फिल्म थिंग व्हिच वाज वेरी बिग इन 90s। बहुत न्यू कमर्स को चांस मिलता था उस प्लेटफॉर्म पे, सो हमारी और हमारी कंपनी की और टीम की यही एक कोशिश है कि हम उस टाइप का प्लेटफॉर्म वापस लेके आ सकें, और जिसको हम काफ़ी हद तक अब लग रहा है कि जिस तरीके से सक्सेस मिल रहे हैं, नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर वर्किंग एज गुड एज बॉलीवुड सॉन्ग्स। जो लास्ट वीक हमने एक गाना लॉन्च किया था राहत फतेह खान साहब के साथ, it has done 3 million hits in just 4 days, which is very good. And अभी वाइल वॉचिंग द सॉन्ग आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द जो व्यूज आ रहे थे और जो कमेंट्स आ रहे थे, इट इज वेरी वेरी पॉजिटिव कमेंट्स ऑन द सॉन्ग। अगेन वी हैव डन इट, इट इज जस्ट 2% डिसलाइक्स, व्हिच इज वेरी गुड। सो दिस इज इट एक्चुअली, एक चीज को आगे बढ़ाना और जिस प्लेटफॉर्म पे न्यू कमर्स को भी चांस मिल सके, लाइक अमर ऑल्सो फॉर मी वॉज अ न्यू कमर 1.5 years बैक, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन। एंड शान ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रेट सिंगर, आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड टुडे आज बहुत, बट यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल मींस। एंड विराग हैज रिटन ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड आई डोंट वांट टू फॉरगेट आलिया, शी हैज डन अ फैबुलस जॉब, मींस इन्होंने मुझे नहीं फोन किया, मैंने इनके हस्बैंड ने मुझे फोन किया, हैज डन अ वीडियो फॉर मी इमरान हाशमी कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने बताया नहीं, पूरा दिन निकल गया। तो आई टोल्ड हिम कि आपकी वाइफ ने आपसे बेटर वीडियो बना दिया, तो अभी इसमें आई हैव टू डू समथिंग एल्स। दोबारा ये सवाल तो नहीं पूछने वाले सर वो आपसे, अमाल दिस वंस फॉर यू, मैं रहूं या ना रहूं उसकी बात कर रहे थे हम लोग यहां। 52 मिलियन हिट्स, इसका क्या टारगेट रहने वाला है?
अभी ऐसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए बट सी एनीथिंग दैट यू वी वर्क ऑन मी विराग सर और भूषण जी इट्स ओनली आउट ऑफ प्योर ऑनेस्टी एंड हम लोग ऐसे व्यूज के बारे में नहीं सोचते वो अगर गाना अच्छा हो लिरिक्स अच्छा एंड वी हैव अ ग्रेट वीडियो दे हैव एक्टेड सो वेल वी सांग सो वेल सो आई थिंक इट्स अ ग्रुप एफर्ट एंड वंस दैट इज देयर एंड इट्स एन ऑनेस्ट थिंग आई थिंक वीडियो विल गेट अ लॉट ऑफ व्यूज अभी अभी से होने लगे आई एम श्योर इसके साथ भी होने वाला है ब्रेक द इंटरनेट रूल द इंटरनेट ट्विटर ऑलरेडी थोड़ा पागल हो रहा है सो आई एम होपिंग इट विल किल इट जरूर से होगा कुछ ट्रेंडिंग वेनिंग कुछ YouTube पे आ गए हैं ऑलरेडी गाना पे लॉन्च नहीं हुआ क्या बात है अभी तो शुरुआत है आगे देखते हैं क्या होगा आलिया आपसे पूछना चाहूंगा चीटिंग क्यों की लास्ट में स्टोरी भी आप ही की है बहुत नाइंसाफी थी देखिए कितने दिल तोड़ दिया आपने व्हाट इज दिस आई ऑलवेज ग्रू अप नोइंग रीडिंग लॉट ऑफ हैप्पी लव स्टोरी वेयर यू ऑलवेज नो दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर बेस्ट सो दिस इज माय आंसर that not everything that happens in life is always for best. So you must always move on. I mean, that's very good. Right, talk about this fresh jodi, Tapsi and Tapsi, aapsi koi nahi hai, wo to mat keh sakte. And Sakshi, abhi abhi aaya hai. Aapse sarcastic comment? Achha, theek hai, dekh lenge, wo koi nahi. Sakshi, she is 90% of the time sarcastic honi, so you never know. हमने इतने प्यार से शिद्दत से ये वीडियो बनाया है हमारे डायरेक्टर से पूछे कितने अच्छे एक्टर्स मिले ने तो कहाँ कहाँ हमने कहाँ कहाँ शूट नहीं किया है गाना बताइए आप हमारे बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है तारीफ तारीफ इस फ्रेश जोड़ी की प्लीज हो जाए नहीं कोई करना भी नहीं चाहता मैं करवा लेता हूँ yeah, but no, honestly, the story demanded young couple who could justify an age group of say 18, 19 year childhood lovers up to say 23, 24, and of course there were the correct phase, the correct actors for me. However, you know, my limitation is only up to deciding the correct actors and phase. The final magic that is there on screen is always the chemistry that two actors create. And not forgetting Zarina ji, it's just that moment when it touches you there. Right. Zarina ji, aap se baat karunga. Wo grace tab se leke ab tak kaise आग लगाई है स्क्रीन पे मतलब मैं बोलूंगा बहुत शुक्रिया लेकिन मुझे खुद पता नहीं सब लोग यही कहते हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं पता नहीं अब ऐसा सितारों तक पहुंच के और कोई कितना आगे बढ़ेगा मैम एज के हिसाब से अच्छा ये तो मैंने कहा तो कमाल करनी है आप इसमें कैसे कोई कुछ कह सकता है ताफी मुझे बोले लास्ट में कहा नहीं अपने डायरेक्टर को उन्होंने स्टोरी लिखी है कि भाई ये मेरे को क्यों आ रहे हो व्हाट इज दिस नॉट डन ना इंसाफी आई एम फाइन ही लाइक आई एम लाइक बट आई थिंक इट इज नॉट ओनली ओके वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड सो आई विल शेयर व्हिच इज We were shooting, we were taking that shot in a street and there were a lot of families and houses and people were like just peeping from the balcony and we kept saying please hat jaiye please hat jaiye and that shot happens and one truck comes and of course Tapsi was removed and the dummy was there and one old lady she froze she was like are ye ladki ko maar diya ladki ko maar diya ladki maar di khush ho rahe aap chahe kyun ho yahan aunty ko itna tension de diya aapne ट्रेजेडी में भी ट्रेजिक एंडिंग में भी एक अलग मजा है एक हार्ट ब्रेक का भी अलग मजा है एंड बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम इट्स अ म्यूजिक वीडियो वी कुड शो दैट साइड वी ऑलवेज सी हैप्पी लव स्टोरीज एंड ये थोड़ी एक हमने ट्रेजिक एंडिंग इसको दे दी एंड आलिया वाज वेरी क्लियर कि हां नहीं नहीं मरेगी लड़की मरेगी क्यों मरना तो पड़ेगा मरना तो पड़ेगा मतलब मैं तुझे कभी साइकिल चलाने नहीं दूंगा तू चलाएगा पीछे बैठ के अलग ही कहानी हो रही है यहां पे वन लास्ट थिंग विराग साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं यहां पे यू वर्क विद कमाल जैसे उन्होंने कहा बहुत लंबी कोलैबोरेशन रही है सो हाउ वाज इट वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग वेरी नाइस ऑल दीस सॉन्ग्स दैट अमाल एंड आई क्रिएट इज राइट नेक्स्ट टू भूषण जी'स रूम सो देयर इज नो रूम फॉर यू नो भाई
This is true, हाँ ये होता है हर बार एक benchmark set हो जाता है with Virag sir कि बोल दो ना जरा हुआ फिर मैं रहूँ है ना how do you get better क्योंकि Bhushan जी someone वो मैं उनको रात को phone करके भी if I sing the tune ना he can tell me then कि you know very few people can predict कि ये गाना इस साल release होना चाहिए next year he can even do that so I think that's a great quality he can say no this is too new for this year let's do this on a later date So his opinion is the last opinion. A true trendsetter of yours. Amal, you, since you asked about Amal, Amal is one honest guy. Yeah. So he'll never compromise to go on the work that he's doing. So there's absolutely no compromise for whatever we do. So take it how good at that. This is Ashish from Music India TV. सवाल ये है सर कि वीडियो के लास्ट में जो इमोशनली कनेक्ट किया जाता है वो किसका इनपुट होता है किधर है सर सर या अगेन योर क्वेश्चन सर वीडियो के लास्ट में जो इमोशनली कनेक्ट किया जाता है वो किसका इनपुट होता है नहीं हर वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट दैट डायरेक्टर डिसाइड एक्चुअली हम जब गाना डायरेक्टर को देते हैं तो देन ही डिसाइड्स द कांसेप्ट एंड देन वी अप्रूव इट ये कॉन्सेप्ट हमें और ऑब्वियसली एक कोई भी रोमांटिक उसमें एक ट्रैजिक लव स्टोरी का प्रथा चलती आ रही है हर हर फिल्म में हर रोमांटिक फिल्म में भी इमोशनल एंडिंग होनी जरूरी होती है तो सिमिलरली आई थिंक इसमें हमने उसी हिसाब से रखा है और ये कि फिल्मों का तो पता रहता है कि स्क्रीन प्ले है इसके अकॉर्डिंग आपको गाना बनाना होता है बट जब सिंगल्स की बारी आती है तो क्या ब्रीफ थी वीडियो भी बताया गया था एग्जैक्टली क्या होना है दोनों एंट्रो और एक ओपनिंग I think it goes vice versa. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्टोरी के हिसाब से करें या यू नो फ्रीडम एक है कि सिंगल्स में कभी कभी हम पहले गाना बनाए और उसके हिसाब से एक स्टोरी बनी जाए एंड समटाइम्स होता है वी सिट टुगेदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट एंड उसके हिसाब से भी लिरिक्स हो सो कहीं ना कहीं वी बैलेंस आउट बट सिंगल्स फिल्म के जैसे नहीं होते हैं ऐसा चांस मिलता है वेर यू कैन मेक अ सिंपल नाइस सॉन्ग एंड अ स्टोरी कैन बी वीव्ड अराउंड इट सो आई थिंक दैट्स अ If you will just remind yourself a couple of decades back, there was a guy called Anand Bakshi. So he used to write very simple, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए लिखते थे। उसी तरीके से Bhushan जी कहते हैं, the target is not anybody else, but the target is कि जो last common man standing over there है, it should be understood by him. Thought के ऊपर कभी compromise नहीं करना। Which is why all the songs that Amal and I have done with Bhushan जी have a very unique thought flow in it, and the words are simple. तब जाके गाने लोगों को पसंद आते हैं। And we've been very lucky with the singles is. We've always got some great videos. So, thank you to Alia and family and your husband, Mr. for both lovely videos. Thank you so much. I'm happy. Tapsi, here, Ashish from Music. You have updated that almost 1 year later, you are back on the big screen. So, 1 year, where are you? I'm going to mic it. मुझे नहीं आपने मुझे एक साल बाद म्यूजिक वीडियो क्यों दिया है आई मीन बिकॉज बेबी इनकी थी लास्ट जो ईयर आई थी फिर आपने एक साल का वेट क्यों किया इनको मैं टाइम स्पॉट में डालना चाहती हूँ इस टाइम राइट फिल्म में कर रहे थे ना दूसरे ऐसी थे ओ वेरी स्मार्ट नहीं मैं कर रही थी फिल्म जो इस फेस्टिव सीजन आप काफी कुछ देखेंगे अभी तो ये स्टार्ट हुआ दिस इज जस्ट अ ट्रेलर फॉर मी फॉर दिस ईयर There's going to be Pink, there's going to be Tadka coming up, and there are a couple of other projects coming up. So I've been shooting non-stop, just that release for a delay ho gaya. So aap dekh lo bhai mujhe, matlab overdose na ho jaye, bas I'm really scared. Bhushan ji, yes. Ji. Humne aapke father ko bhi kaafi unke interviews kiye hain, aur bada acha lagta hai jab aapko is tarah se dekhte hain. T-series की जहाँ तक बात है तो जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं उनको सबसे अच्छी तरह से पोर्ट्रे अगर आज तक किसी एक कंपनी ने की है तो वो आपकी कंपनी है तो इसके पीछे इन सब ने बताया कि आप भी काफी मेहनत करते हैं लेकिन आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपकी टीम
या फिर आपका प्रमोशन या फिर टी सीरीज का नाम या फिर आपकी पर्सनल मेहनत? सी ऑलवेज इट्स अ टीम एफर्ट, जिसमें पूरी कंपनी में जो मेरे लोग हैं जो सब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, अजय कपूर हैं, विनोद हैं, और प्लस जो म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करते हैं, लिरिक राइटर लिखते हैं, सारी टीम वर्क होता है। मैं कभी भी ये क्रेडिट अपने पास नहीं लेता हूँ, इस मेरा एक ओपिनियन मैटर करता है, सो पूरी टीम का ओपिनियन मैटर करता है, उसी ओपिनियन के हिसाब से हम आगे बढ़ के गाना बनाते हैं। जब मेरा कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट जब ये गाना बनाते हैं, मैं इनको बोलता हूँ यार कि आपने मुझे सुनाया, सेंड इट टू माई टीम ऑल्सो, ताकि उनका भी व्यू पॉइंट इसके ऊपर आए, एंड देन वी विल गो अहेड विद द सॉन्ग। अमाल आपसे एक सवाल है, आपने अपनी पहली फिल्म में काफी कमाल किया, और आपको कौन सी लगती है मेरी पहली फिल्म कौन सी लगती है? हीरो? नहीं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म पहली फिल्म में बिल्कुल कमाल नहीं किया था, बहुत बुरा काम किया था। मेरी पहली फिल्म जय हो थी मेरी पहली करेक्ट फिल्म आपकी रॉय थी। मुझे पहली फिल्म सलमान सर ने दी थी जय हो में, उस टाइम मैं मुझे म्यूजिक के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि व्हाट वर्क्स, तो मैंने जो दिल में आया किया था। आई थिंक रॉय से मेरी शुरुआत थी, जो सूरज डूबा एक सॉन्ग है, हीरो मेरी पहली फिल्म नहीं है। लेकिन हीरो में आपने सूरज के साथ किया है, और उसके बाद रवीना जी के साथ भी ये कर रहे हैं, और इतनी कम उम्र में और इतनी कम वक्त में आप जिस मुकाम में पहुंचे हैं, सलीम सुलेमान, संदीप चौटा, तो इन सबके साथ मैंने काफी सीखा है, एंड इट हैज हेल्प मी कम वेयर आई एम, एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू सलमान सर फॉर गिविंग मी माई फर्स्ट फिल्म, एंड भूषण जी टू यू नो टेक माई करियर फॉरवर्ड। टी सीरीज की वजह से मेरा म्यूजिक यहाँ तक पहुंचा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट, सो इट्स लाइक फैमिली। हाय जरीना जी, आपके लेफ्ट में आलोक है, यही मंच था जब GABF का भी लॉन्च था, उनका भी सिंगल था सूरज, तो उसमें सूरज ने कुछ कहा जब आप इस सिंगल का हिस्सा बनी, या आपकी कोई बात हुई? नहीं, जब मुझे कॉन्टेक्ट किया गया था, ये बहुत इमोशनल है, बहुत छोटा सा लेकिन इमोशनल है, तो ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने इमीडिएटली हाँ कहा। जब करने के बाद मुझे बहुत मजा आया, मैंने जो कुछ भी किया है, मेरा जो भी एक्सप्रेशन है, आर्यन ने जैसे बताया मैंने वैसे किया, और इसके बारे में सूरज को बाद में पता चला कि मैंने शूट करने के बाद मैंने बताया, ओह ही वाज वेरी हैप्पी, ओह वेरी गुड मॉम ही सेड। और आपने उनका GABF देखा था, वो आपको कैसा लगा? मैंने एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार देखा है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। भूषण जी, जी यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट सॉन्ग्स, व्हिचएवर सॉन्ग यू गिव इज ऑलमोस्ट हिट, वो आप सॉन्ग में क्या देख पसंद करते हो, क्या उस पे होना चाहिए जो यू थिंक दैट इट्स अ हिट? अमाल आप बताओ, आपसे लेता हूँ गाने तो आप क्या बात हूँ आपसे। जो जब व्हेन आई प्रेजेंट अ सॉन्ग टू सर, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो देखते हैं कि मेलोडी सिंपल हो और लिरिक्स एक बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कही जाए, तो ये दो फैक्टर्स भूषण जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड फॉर हिम नो फिल्म और नो प्रोडक्ट इज स्मॉल और बिग, इवन इन हिज स्मॉल बजट फिल्म्स और हिज बिग बजट फिल्म्स, हिज सॉन्ग्स आर यू नो, मैं या कोई भी और म्यूजिक डायरेक्टर, आई थिंक ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द कंपोजर्स। आप देखोगे कि वही कंपोजर्स जब वर्क विद हिम एंड दे वर्क आउटसाइड, देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज द पर्सन सिलेक्टिंग द म्यूजिक knows what he wants. I think Bhushan ji ko pata hai what he wants. I think that's the thing. आप कितने songs को पेश करते हो, उसपे कितने select होते हैं? मैं जबी भी कुछ सोचता हूँ पहले उनको फोन करके सुनाता हूँ, तो मैं ऐसे कभी उसपे नहीं रहता कि मैंने अगर 15 गाने सुनाए तो he should take all. He selects the best 2-3 and whatever he selects is always released and it becomes really big. Sir, always you've been supporting newcomers. तो उसका what like? मेरे फादर के टाइम से वी हैव बीन प्रमोटिंग न्यू कमर्स, पापा काफ़ी लोगों को पापा ने लॉन्च किया था, जैसे सोनू निगम है, काफ़ी लोग हैं जिनके साथ उन्होंने उनको लॉन्च करते थे, तो वही चीज़ को हम एक आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अमाल के साथ अरमान को भी वी हैव पुश्ड अ लॉट एंड ही इज़ वर्किंग विद अस एज अ सिंगर,
and plus all the singers who were very good and who are not doing so many songs now. We want to cater to all those singers which are very talented and all, but कहीं खो गए हैं और नहीं उतना सिंगिंग कर रहे हैं, तो दैट थिंग आल्सो वी आर टेकिंग इट फॉर। भूषण जी, मेरा सवाल इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। आशिकी 3 बन रही है, काफी ये खबरें आ रही हैं कि आलिया और सिद्धार्थ की प्रॉब्लम ब्रेकअप की वजह से स्क्रिप्ट में चेंजेस हो रहे हैं काफी और स्क्रिप्ट लेट हो रही है, काफी कुछ खबरें आ रही है। कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आशिकी? अभी हम आशिकी के बारे में कुछ क्लियर नहीं पड़े क्योंकि उसकी कास्टिंग अभी लॉक नहीं हुई है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। अभी जो भी खबरें आ रही है वो फिल्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, नथिंग इज फाइनलाइज्ड। मतलब सिद्धार्थ और आलिया नहीं है फिल्म में? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफी चीजें अभी स्क्रिप्ट में ही चल रही हैं। जब तक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं होगी वी कांट अनाउंस अबाउट आशिक। वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन। शान, शान, व्हाई डोंट वी गेट टू सी मच ऑफ यू इन बॉलीवुड दिस डेज? हैज प्लेबैक सिंगिंग टेकन अ बैक सीट फॉर यू? इसलिए मैं मेकअप और बाल और बना के आया था आज। चलिए किसने कोई सवाल तो पूछा, थैंक यू सो मच। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे एस्टैब्लिश सिंगर्स थे और अचानक से एक लोग हमेशा चेंज चाहते हैं, नई आवाज़ें, एक नई ट्रेंड्स आ जाती हैं। मैं बस खुश हूँ कि पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत जो ज़्यादातर सिंगर्स की शुरुआत टी सीरीज के साथ हुई है, मेरी शुरुआत तो नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड इनिंग है ये इसकी शुरुआत टी सीरीज से हुई है। सो आई थिंक इट्स गोना बी फैंटास्टिक और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहता हूँ कि आगे और बहुत सारे गाने करें साथ में, बहुत सारे सिंगल्स करें और बस आप सबका एक रिएक्शन चाहता हूँ। ये गाना आपको पसंद आया, सबको अच्छा लगा? वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, वी आर डूइंग सम सॉन्ग्स व्हिच शान इज सिंगिंग व्हिच यू विल लिसन टू, बहुत जल्दी सुनेंगे। इट्स नॉट कि मैं कुछ मैं खुद चूजी हूँ या मैं नहीं चाह रहा हूँ गाने, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। No, he's gone way ahead. I wouldn't call him competition at all. I think he's doing very well. And I'm very, because एक अच्छी talent जब आगे जाती है और लोग उसे पसंद करते हैं तो ये music के लिए अच्छी बात है। As long as it's good for music, it's good for all of us. Zarina, I have a question for you. This is a beautiful love story. Unfortunately, a tragic ending. As a mother, what kind of a love story would you want Suraj to have? Obviously, being a mother, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा हाँ, बस एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। फिर एक बार सूरज गोवा में हम लोग गए थे, वहाँ पर बाइक का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह से, एंड ही वाज ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर, कोई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। दैट वाज 2011। उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है एक्सीडेंट से, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि हर माँ और बाप को इस तरह का कोई मंजर देखने को ना मिले। बस थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन ओवर देयर। या सब चीजों के लिए सेंसरशिप होता है, आपको किसने बोला नॉन फिल्म सॉन्ग के लिए सेंसरशिप नहीं होता? हर गाना सेंसरशिप होता है, चाहे वो रैप गाना हो या नॉन फिल्म गाना हो या फिल्मी गाना हो, एवरीथिंग इज सेंसर्ड। Cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much.